बड़ा वाली बड़े वाले क्या मेरे आज है, आज भी पीऊंगा भाई मेरे साथ, चाय भी पिला कर भेजूं मैं आज। अच्छा, चाय का स्टॉल खोलने का कुछ आपका मतलब क्या इच्छा था? कुछ नहीं ब्रो, मतलब हालात कुछ सिचुएशन ऐसा आया, बहन भी धीरे घर में था और उसे भी पढ़ाना था। पता नहीं इनके हाथ में क्या रखा है जो इतना टेस्टी चाय बनता है। थाईलैंड मतलब कूट कूट के दिल में भरा रहता है, उनके पास यही है कूट। मैं भाई का स्वैग रहता है, भाई का प्यार रहता है, भाई दिल से बनाता है। मतलब आप जो स्वैग देते हैं उसी में चाय मतलब पूरा, मतलब कोई भी काम करो तहे दिल। नमस्कार, मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हम पटना में खड़े हैं, खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे मैरियो रैपर, एक चाय वाला बहुत ही फेमस है, पटना का चाय वाला रैपर, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी सारे टैग लगा के रखे हैं और ये इनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये चाय के साथ साथ ये जो चाय में स्वाद देते हैं या रैप करके करते हैं, और पटना में इनसे ज़्यादा फेमस मुझे नहीं लगता कि कोई है। प्रियंका चाय वाली भी है लेकिन इनके ऐसा टैलेंट उसके अंदर नहीं है, सिर्फ वो चाय की दुकान खोल के रखी है। लेकिन इनके अंदर जो टैलेंट है वो चाय के साथ रैप भी करते हैं और काफ़ी बढ़िया करते हैं, एक पॉपुलर रैपर भी हैं। भैया एक बार आप परिचय दीजिएगा अपना। बस भैया बस, देख लीजिए बिजी इंसान है, थोड़ा सा वक्त लेंगे ये। ऐसा बात नहीं है, बिजी हूँ मैं, सबके लिए वक्त मैं निकाल के देना चाहता हूँ बस। ये एक स्टूडेंट के ऊपर मैंने रैप लिखा, ठीक है। ये जो बेचारे लोग आते हैं जाते हैं, आपका खुद का लिखा? हाँ, ये मैं जितने भी काम करता हूँ खुद है। यो चेक 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 मैन, चेक चेक चेक, सुनो सुनो सुनो, आया है घर से भाई तेरा लड़के, माँ बोले बिन कमाई लेता है खर्च, कमाने वाले एक ना टेंशन ना सर पे, बिना मेहनत किए बेटे मिलते ना पैसे, ओके डिप्लोमा भी टेक पास से, रोडों पे बिकते सस्ते किताब ने, एजुकेशन को पैसे पे तोलते यहाँ, एग्जाम होता पर रिजल्ट कहाँ, डिग्री लेकर देखो यहाँ वहाँ, स्टूडेंट की लाइफ बीते न जाने कहाँ, क्लास के बाद भी टाइम नहीं मिलता, रूम पर खाना भी बना नहीं पाता, रात को खाने में मैगी भी खाकर पूरी रात काटता, सुबह के नाश्ते में खाता मैं पास्ता, नीचे भी देख कर चलता मैं रास्ता, प्यार के चक्कर में किया टाइम पास था, मुझे पता चला जब ये सब बकवास था, दिल से निकाल कर किया तुझको किल, कब तक भरूंगा मैं तेरा बिल, जा तू ढूंढ ले किसी और का दिल, डस्टबिन में फेंक दे सारे मुश्किल, तू नहीं थी ओ मेरे काबिल, तुझे छोड़ कर किया खुद को हासिल। तो सुनो यहाँ से एक लाइन है, जॉब के लिए भटके इधर उधर, कोई ना देता भाई मुझे खबर, बेरोजगारी ढूंढे यहाँ पे जॉब, बीटेक वाले लगा रहे डिग्री का भोग, अरे भाई मुझे रहता बैठने का शौक, मेरे बारे में पीठ पीछे ना भोग, क्यों, क्योंकि जवानी गवा रहा, उम्र बढ़ा रहा, 35 से ऊपर 30 से नीचे, टांग मेरे शादी के लिए खींचे यहाँ जा रहा, बिना जॉब किए पड़ोसी भी मारते देख कर ताने, लड़की ना मिलेगी तुझे बस साल, मजबूरी में मैट्रिक पास में, लड़की पसंद करके आया मैं कसर जी, बिना कुछ लिए दिए हुआ है शादी, अब होने वाला यहाँ से बर्बाद, रातें ना करती सोच कर आधी, कब मिलेगी मुझे आज़ादी। सुनो, अच्छा आपका जो रैप है, इस रैप में आप ऐसा फर्स्ट वाला जो रैप था उसमें लगा कि दिल टूट गया, आपका दिल टूटा हुआ है? दिल नहीं टूटा, बहुत सारे लड़के लोग पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो कुछ सिचुएशन को देखा मैंने, वो प्यार पढ़ते पढ़ते कुछ प्यार में लिखते हैं चीज़ें, तो उस चीज़ को एब्जॉर्व कर। अच्छा, खान सर का जो कोचिंग है, ये कोचिंग में जो लड़के आते हैं उनका मतलब भावना को देख के उस पर आप लिखते रहते हैं ना? उन लोगों को देखता हूँ कैसे पढ़ता है, क्या करता है, क्या दिन में चलता है, उसके साथ क्या बीतता है, सब लिखता हूँ मैं। कैसा लग रहा है, कितने बच्चे हैं पढ़ने वाले होंगे? पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं भाई साहब, मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो ना होता है वही हाँ होता है, जो हाँ होता है वही ना होता है। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ है, प्लस माइनस का खेला हमेशा चलते रहता है, कुछ ना कुछ है जो दिल टूटे वाले हैं। हाँ, दिल भी टूटेगा, तो मैंने दिल के ऊपर भी लिखा था, दिल की लड़के लोगों का दिल टूटता ना, क्यों दिल की बातें मैंने दिल में दबाया, ना किसी को मैं बताया, तेरे हर एक बात को सहा, ना किसी को मैं तो कहा, किसी और के साथ चले जाती, खुद को ही कोसते रह जाता, अब मेरे बात को ध्यान से सुन, तेरे दिमाग की बत्ती करूँ गुम, आज भी है मेरे पास तेरे सारे राज, भेज क्या तेरे पास खुद से ज़्यादा, भरोसा किया था तुझको तो, तू तो निकली धोखेबाज, चल। वाह, बहुत बढ़िया, काबिली तारीफ वाली बात है। ये बताइए मैरियो रैपर आपका ये पहले से नाम है या फिर बाद में आपने सोच के रखा? नहीं नहीं, मैरियो रैपर तो मैं बहुत पहले ही से नाम रखा हूँ। जब बहुत पहले से ही, जब चाय का शॉप था तब ये मैरियो रैपर, पहले ही उससे पहले से ही मतलब मैरियो का मतलब सच्चाई ढूंढना। अच्छा, मैरियो का मतलब सच्चाई ढूंढना, मैरियो मैरियो मतलब सारे के सारे जो मैं काम करूँ ऐसा, सारे के सारा जो मैरियो, इसलिए मेरा नाम है मैरियो। आपका चाय यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिकता है, इसमें चाय में कुछ क्या करते हैं आप? चाय में भाई का स्वैग रहता है, भाई का प्यार रहता है, भाई दिल से बनाता है। मतलब आप जो स्वैग देते हैं उसी में चाय मतलब पूरा, मतलब कोई भी काम करो तहे दिल से करो, अपने स्टाइल अपने अंदाज से करो, वो चीज़ें अपने आप बेस्ट हो जाए। चाय वगैरह आप चला करके भी रैप कुछ करते हैं, वैसा कुछ करके दिखाते हैं? मतलब बीट यहाँ पे अभी स्पीकर था, बट अभी घर पे चार्ज में लग पड़ी है, बीट चलते रहता है अपना, बस चीज़ें देखा, जो भी रिक्शा रिक्शा में लोग जा रहे हैं, कौन किसके हाथ में क्या,
सबके ऊपर बनते रहता है वो, बनते रहता है। एक दो चाय वाला थोड़ा वो स्टेप करके जरा बना के दिखाइए एक तो। बोले तो जैसे आप कैसे चाय डाल के रैप करते हुए बना रहे थे वैसा वाला, वो बीट चलता है ना जैसे आप बस आया चाय डाला मैंने यो हाथ में कल छुल भाई मेरे साथ है छोटा वाले बड़े वाले पिलाओ मैं आज करके दिखाइए जरा। ये बस हाथ में ये कल छुल तो मैं गाता हूँ बीट चलते था, ये हाथ में कल छुल भाई मेरे साथ है छोटा वाली बड़े वाले क्या मेरे आज है आज भी पीऊंगा भाई मेरे साथ चाय भी पिला कर भेजूं मैं आज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैसा लगा आपको भैया? बहुत ही अच्छा लगा इधर। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगता है। चाय यहाँ पीने आते हैं कुछ खास होगा तभी तो पीने आते हैं। यस भैया, इनका बहुत सारा प्यार मिलता है इस चाय में और बहुत ही अच्छा बनाते भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनाते। टेस्ट कैसा रहता है चाय का इनका? टेस्ट आप पीजिएगा तो आप कहिएगा। अभी तो हम पिए नहीं है लेकिन हम अभी पी लेंगे। हाँ पीजिएगा तो बोलिएगा कि हाँ टेस्ट भाई का दिल से बनाते हैं। खान सर का कोचिंग है यहाँ पे, कितना बच्चा चाय पीता होगा यहाँ पे आके? लगभग बहुत 300-400 सुबह में भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है यहाँ पे और पर डे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ एजेड लोग और स्टूडेंट लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं। और ये भाई इनको कब से जानते हैं आप? इनको यही साल भर से, यहाँ से जब से मैंने रूम लिया है पढ़ाई करने के लिए। अच्छा अच्छा, उसी वक्त से मैं इनको जानता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे पर डे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ पे हम दोनों दोस्त आते हैं, डेली आते हैं। और ये एक चीज देखा जाए कि पटना में जो सस्ता चाय है 10 रुपये कप यहाँ मिलता है, ठीक है, और जो जितना चाय का स्टॉल खुला जो फेमस अपने आप को करने के लिए 20 रुपया चाय अलग अलग फ्लेवर डाल देते हैं कहीं, उससे तो बढ़िया लग रहा है हमको ये अजीब बहुत अच्छा है। यहाँ से टैलेंट भी इनके अंदर है, टैलेंट भी है, पता नहीं इनके हाथ में क्या रखा है जो इतना टेस्टी चाय बनता है। जो टैलेंट मतलब कूट कूट के दिल में भरा रहता है उनके पास यही है, कूट कूट के भरा हुआ है टैलेंट जो इतना अच्छा बना, कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट। देखिए आपका जो तारीफ जो है ना पब्लिक भी कर रही है आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट। देखिए भाई ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मेरे भाई लोग ही बता सकते हैं, बस मेरा जो अपना काम है मैं वो अपना दिल से कर रहा हूँ। अच्छा चाय का स्टॉल खोलने का कुछ आपका मतलब क्या था? कुछ नहीं ब्रो, मतलब हालात कुछ सिचुएशन ऐसा आया, बहन भी धीरे घर में था और उससे भी पढ़ाना था डॉक्टर के तैयारी, मैं तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया हूँ डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग ना टू सेकेंड ईयर तक करके, उसके बाद कुछ ऐसा हालात आया घर में, कोरोना वरोना भी आया तो मेरे मनोज भैया ने बोला कि चलो ठीक है कुछ तो करो, तो भाई ने जॉब भी इधर उधर भी करता था 7-8 हज़ार में, उससे कुछ होता नहीं था, मैंने चलो छोड़ो कुछ ना कुछ करते हैं, बस ऐसे ही शुरू से ही लिख दिया मैंने। शुरू से ही मेरा यही चीज़ है, मतलब शुरू से ही आपका भाई, मेरे को पता नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला क्या नहीं, बस अपना तहे दिल से अपने जैसे मैं कल करता था वैसे ही आज मैं करता रहा हूँ, बस वैसे ही करते करते ग्रो किया। कहने का मतलब ये है कि घर का सिचुएशन खराब होने के कारण धीरे धीरे पढ़ाई से आप मतलब बिजनेस में इधर शिफ्ट हो गए। हाँ। और करना बहुत जरूरी था, जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी होता है। बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।